वेलकम टू मूवीज इन जिस्ट। आज हम देखेंगे 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी फॉरेंसिक। इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए क्योंकि इसका क्लाइमैक्स बहुत ही यूनिक है। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की का बर्थडे सेलिब्रेशन देखते हैं और दूर से ही एक लड़का उस बर्थडे सेलिब्रेशन को देख रहा होता है और इस वजह से उस लड़के के पिता उसे घर ले जाकर बहुत मारते हैं और रात में सोते समय वो लड़का पिता और अपनी बहन को जान से मार डालता है। फिर हम कई साल बाद देहरादून का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक लेडी का मर्डर हो गया था और उस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट जॉनी को बुलाती है। जॉनी क्राइम सीन और डेड बॉडी को एग्जामिन करता है। उसके बाद वो इंस्पेक्टर से कहता है कि मर्डर उस विक्टिम के हस्बैंड ने ही किया है क्योंकि उसे विक्टिम के दांतों से मेटाबॉलिक पॉइजन के ट्रेसेस मिले थे जिससे उसके हस्बैंड ने टूथपेस्ट में मिलाकर उसे दिए थे और इस तरह जॉनी की हेल्प से ये केस सॉल्व हो जाता है। फिर हम एक चर्च का सीन देखते हैं। वहाँ जेनी नाम की एक लड़की का बर्थडे होता है और वहाँ अनन्या नाम की एक लड़की भी आई होती है जो जॉनी की भतीजी होती है। जेनी अनन्या को कैंडी देती है और अनन्या उसे बर्थडे विश करती है। अगले दिन सुबह हम SI मेघा को देखते हैं जिसे डंप यार्ड में एक लड़की की बॉडी मिलती है और जब वो डंप यार्ड में देखती है तो वो बॉडी जेनी की होती है। किसी ने पिछली रात जेनी को किडनैप करके उसे मार दिया होता है। यह कांस्टेबल मेघा को बताता है कि बॉडी को सबसे पहले जस्सू पहाड़ी नाम के एक आदमी ने देखा था लेकिन वो मेघा के आने से पहले ही भाग गया था। मेघा उसे ढूंढने के लिए कहती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। आगे हमें पता चलता है कि अनन्या मेघा के साथ उसके घर में ही रहा करती थी। फिर मेघा अनन्या को स्कूल छोड़कर पुलिस स्टेशन चली जाती है और पहुंचते ही SHO मेघा को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहते हैं। वो उसे ये भी कहते हैं कि उन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट जॉनी को भी बुलाया है। ये सुनकर मेघा थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। एक्चुअली मेघा और जॉनी एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन किसी गलतफहमी की वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी। फिर मेघा अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और वो चर्च का CCTV फुटेज चेक करती है। वहाँ पर उसे अनन्या भी दिखाई देती है और सबके चर्च से जाने के बाद जेनी की मॉम उसे चर्च से ले जाने ही वाली होती है मगर वो अपनी वाटर बॉटल को अंदर ही भूल आती है और जब वो वाटर बॉटल लेने अंदर जाती है तो उसे कोई चर्च के बैक एग्जिट से वेव करता है और उस तरफ जाते ही जेनी वहाँ से गायब हो जाती है। इस बात से ये क्लियर होता है कि किडनैपर को जेनी पहले से ही जानती थी। फिर हम देखते हैं कि जॉनी अपने भाई के घर आ जाता है। उसका भाई अभय अकेला ही रहा करता था क्योंकि एक हादसे में उसने अपनी बेटी आद्या और अपनी वाइफ दिव्या को खो दिया था और फिर उसकी दूसरी बेटी अनन्या को मेघा अपने साथ ले गई थी क्योंकि उसे लगता था कि अभय की लापरवाही की वजह से उसकी बेटी की जान गई थी। फिर जॉनी लैब में जेनी का ब्लड लगी हुई फ्रॉक को एग्जामिन करता है और उसके बाद उस साइट पर जाता है जहां पर पुलिस को जेनी की बॉडी मिली थी और वहां के कुछ फोटोज कलेक्ट करता है। फिर वो वापस से अपनी लैब में आकर डमी बॉडी पर नाइफ से बार बार अटैक करता है ताकि वो उस किलर का माइंडसेट समझ सके। तब उसे पता चलता है कि किलर ने जेनी के बैक पर 9 बार स्टैप किया था और उन मून से उसे समझता है कि किलर लेफ्ट हैंडेड है। फिर जॉनी और मेघा चर्च के बैक एंट्रेंस पर जाते हैं और वहां से वो एविडेंस को कलेक्ट करते हुए सामने के फॉरेस्ट तक पहुंच जाते हैं जहां उसे एक टनल मिलता है जिसकी हाइट 4.5 फीट के करीब रही होगी और जेनी उस टनल के थ्रू ही उस फॉरेस्ट के दूसरे साइड गई होगी क्योंकि जॉनी को जेनी के कपड़ों पर उस टनल के पार्टिकल्स के ट्रेसेस मिले थे और चर्च में जब जेनी ने वेव किया था तब वो उसके आईज के ठीक सामने था। इससे ये साबित होता है कि किलर की हाइट सिर्फ 4 या 4.5 फीट के करीब होगी या फिर वो किलर एक ड्वार्फ होगा। इसी वक्त मेघा को याद आता है कि उसने उस दिन CCTV फुटेज में चर्च के अंदर एक ड्वार्फ को देखा था जो चर्च में सफाई करने आया था। फिर मेघा अपने कांस्टेबल से उसके बारे में पता करती है तो वो कहता है कि इसका नाम चार्ली है और उसे पता है कि वो कहां पर रहता है और फिर मेघा अपनी टीम को लेकर चार्ली को पकड़ने उसके घर पहुंच जाती है मगर पुलिस को देखकर वो वहां से भागने लगता है
और काफी भागम दौड़ के बाद मेघा उसे पकड़ ही लेती है। वहाँ दूसरी ओर अनन्या साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रंजना के पास सेशंस लेने आती है और वो डॉक्टर रंजना से कहती है कि वो अपने फादर से मिलना चाहती है, लेकिन मेघा उसे मिलने की परमिशन नहीं दे रही है। तभी हम डॉक्टर रंजना के घर में एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जिसके बारे में रंजना मेघा से कहती है कि वो बूढ़े आदमी उसके फादर जैसे ही है और उन्हें ब्लड कैंसर है और इस वजह से वो ज्यादा बाहर नहीं निकलते। फिर चार्ली के इंटरोगेशन के दौरान चार्ली मेघा से कहता है कि उसे मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो तो सिर्फ पुलिस के डर की वजह से वहाँ से भाग गया था। आगे हमें ये पता चलता है कि एक बार अभय अपनी फैमिली के साथ किसी मेले में गया हुआ था और वहाँ पर अभय की लापरवाही की वजह से उसकी बेटी गायब हो गई थी और उनकी बेटी को ढूंढने पर वो उन्हें एक खाई में गिरी हुई मिली और इस वजह से उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी और ये सदमा अभय की वाइफ दिव्या सहन नहीं कर पाई, इसलिए उसने घर आकर पॉइजन खाकर सुसाइड कर लिया। इसके बाद मेघा गुस्से से अनन्या को अपने साथ ले गई और अभय अपने घर में अकेला ही रह गया। यहाँ जॉनी क्राइम सीन से जो फुटप्रिंट्स लेकर आया होता है उसे अपने मेन सस्पेक्ट चार्ली के फुटप्रिंट से मैच करता है, जो कि बिल्कुल भी मैच नहीं होते। फिर वहाँ अदिति नाम की एक लड़की का बर्थडे होता है और अनन्या भी अपने आंटी के साथ उस बर्थडे में गई होती है। इसी बीच मेघा अकेली ही जस्सू पहाड़ी के घर में लॉक तोड़कर एंटर करती है और उसे वहाँ पर जस्सू पहाड़ी छुपा हुआ मिलता है। यहाँ बर्थडे पार्टी में अदिति मिसिंग हो जाती है। अदिति वहाँ के एमएलए की बेटी होती है, इसलिए पुलिस पर उसे ढूंढने के लिए बहुत प्रेशर होता है। पुलिस फोर्स और जॉनी नजदीक के ही जंगल में ढूंढने लगते हैं और वहाँ पर जॉनी को एक फुटप्रिंट मिलता है जो कि ब्लड से बना हुआ था। इसका मतलब किलर के राइट पैर पर चोट लगी हुई थी। जॉनी एसएचओ और बाकी टीम से कहता है कि किलर का वेट 40 किलोग्राम से ज्यादा नहीं है और किलर सिर्फ 10 से 12 साल का मेल बच्चा होगा, लेकिन एसएचओ इस बात पर बिलीव नहीं करता। तब जॉनी एक सीरियल किलर के बारे में बताता है जो सिर्फ 10 से 12 साल की उम्र में ही सीरियल किलर बन गया था। फिर मेघा भी एसएचओ को बताती है कि उसने कल जस्सू पहाड़ी का स्टेटमेंट लिया था और उसने भी कहा था कि सुबह जब वो डंप यार्ड के तरफ गया था तब उसने वहां पर एक 12 साल के बच्चे को बॉडी डंप करते हुए देखा था। इसलिए मेघा जस्सू पहाड़ी से उस बच्चे का स्केच रेडी करवाती है। फिर मेघा को जुवेनाइल सेंटर से एक कॉल आता है और वो कहते हैं कि जिस बच्चे को वो ढूंढ रहे हैं उसका नाम रोहन है और वो करीब 3 साल पहले उनके सेंटर पे आया हुआ था और उसने 8 साल की उम्र में ही अपने पेरेंट्स का मर्डर कर दिया था, लेकिन वो 3 महीने पहले ही वहाँ से भाग गया था। ये समझने के बाद पुलिस रोहन के स्केच को हर जगह सर्कुलेट कर देती है और उसे मीडिया को भी दिखाने के लिए कहती है। शहर में भी उसकी डर की वजह से सारे स्कूल्स बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर रंजना अनन्या का सेशन होने के बाद उसे थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहती है, लेकिन तब तक अनन्या वहाँ से गायब हो जाती है। फिर डॉक्टर रंजना मेघा को कॉल करके ये बता देती है। मेघा को पता होता है कि अनन्या अक्सर एक पार्क में जाया करती थी और वहाँ अनन्या के साथ उसे वो सीरियल किलर रोहन भी दिखता है। मेघा उस रोहन को पकड़ लेती है और उसके कपड़ों पर काफी खून भी लगा हुआ होता है। फिर उन्हें वही पास में नीचे अदिति की डेड बॉडी भी मिल जाती है। फिर जब मेघा रोहन को उन मरी हुई लड़कियों की फोटोज दिखाकर इंटरोगेट करती है तो वो उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ चिल्लाने लगता है। अगले दिन जॉनी मेघा से कहता है कि उसे लगता है कि ये सारे मर्डर्स रोहन ने नहीं किए हैं। रोहन के कपड़ों पर अदिति का खून मिला है, लेकिन रोहन राइट हैंडेड है और असली खूनी लेफ्ट हैंडेड है, मगर मेघा जॉनी की बातों पर भरोसा नहीं करती है। फिर जब वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि एक और लड़की बिंदिया मिसिंग हो गई है और इससे ये प्रूव हो जाता है कि अभी भी वो सीरियल किलर बाहर आजाद घूम रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अनन्या बिंदिया की डेड बॉडी को लेकर एक फार्म हाउस से बाहर निकलती है। अगले सीन में अनन्या अपने घर में होती है और उसे मेले वाले इंसिडेंट को याद करके उसे दौरे पड़ने लगते हैं। तभी मेघा आके उसे जगाती है और गले लगा लेती है। फिर मेघा डॉक्टर रंजना के घर जाती है और उसे रोहन से बात करने के लिए कहती है। फिर जब डॉक्टर रंजना रोहन से बात करती है तो वो बोलता है कि वो इन लड़कियों को नहीं जानता, उसे सिर्फ एक छोटी बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है और फिर वो जो कहती है उसे वही करना पड़ता है
और इसके बाद वो सब कुछ भूल जाता है। फिर अनन्या की वीडियो न्यूज में दिखाई जाती है जिसमें वो बिंदिया की डेड बॉडी के साथ थी और इस वजह से SHO मेघा को सस्पेंड कर देते हैं और जॉनी को भी इस केस से हटा दिया जाता है। मगर फिर भी जॉनी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट रखता है और तभी उसे एक जगह बिंदिया की डेड बॉडी मिल जाती है और माथुर के वहाँ आने से पहले ही जॉनी वहाँ से सारे एविडेंस कलेक्ट करके ले जाता है। फिर जॉनी कांस्टेबल पाटिल की हेल्प से मेघा से मिलने मेघा के घर आता है क्योंकि SHO के ऑर्डर्स पर मेघा को हाउस अरेस्ट पर रखा गया था क्योंकि इस खबर के बाद अनन्या भी मिसिंग हो गई थी। जॉनी मेघा से मिलकर उसे समझाता है कि वो ये केस को सॉल्व करने के लिए केपेबल है और वो फिर से इस केस में लग जाती है। फिर जॉनी उसे कहता है कि इन सब मर्डर्स के पीछे एक ऐसा आदमी है जिसने रोहन और अनन्या का इस्तेमाल उस बॉडी को डंप करने के लिए किया है और वो ये भी कहता है कि जब वो अनन्या को खोज रहा था तभी उसे फॉरेस्ट में उसे एक वेयरहाउस मिला था जो काफी दिनों से बंद लग रहा था और उसने जब अंदर जाके देखा तो उसे पता चला कि ये तो उस सीरियल किलर का क्राइम सीन है जहाँ पर वो उन बच्चियों को लाकर मारता था और फिर अलग अलग जगहों पर वो बॉडीज को डंप करवा देता था। तभी मेघा जॉनी से कहती है कि 3 दिन बाद अनन्या का बर्थडे है और उन्हें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा और फिर वो लोग अनन्या के ड्राइंग से उस घर का पता लगा लेते हैं। वहाँ जाने पर उन्हें अभय मिल जाता है और अनन्या भी वहाँ पर होती है। एक्चुअली अभय अनन्या को किडनैप करके यहाँ पर ले आया होता है ताकि वो सीरियल किलर अनन्या तक ना पहुँच सके। उसके बाद मेघा पाटिल से देहरादून के आसपास के ऐसी ही सिमिलर केसेस के बारे में पता लगाने के लिए कहती है और अनन्या से बात करने पर उसे पता चलता है कि रोहन की तरह ही उसे भी एक छोटी बच्ची की आवाज़ सुनाई देती थी और उसके बाद वो जो भी उसे करने को बोलती थी वो उसे करना पड़ता था। फिर पाटिल से मेघा को पता चलता है कि 5 साल पहले ऋषिकेश में भी इसी तरह के केसेस रिपोर्ट हुए थे, इसलिए मेघा और जॉनी ऋषिकेश के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में माथुर उन्हें रोकने की कोशिश करता है मगर किसी तरह से जॉनी उसे चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से वो ऋषिकेश पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें जॉनी के गुरु डॉक्टर सोलंकी मिलते हैं। वहाँ पर जॉनी केसेस में मिले एविडेंस की जांच करता है जिसे पाटिल ने अपनी पुलिस फ्रेंड की मदद से निकाल लाया था। जांच करने पर ऋषिकेश और मसूरी में हुई केसेस की DNA सेम होती है, यानी जो किलर ऋषिकेश में 5 साल पहले किलिंग्स कर रहा था वही इस टाइम मसूरी में आया था, मगर DNA के अलावा उनके पास और कोई सबूत नहीं होता। फिर डॉक्टर सोलंकी जॉनी को FBP करने को बोलते हैं जिसमें सिर्फ DNA की मदद से सस्पेक्ट का फेस कंस्ट्रक्ट किया जा सकता और उनके अंदाजे से वो किलर करीब 7 साल के आसपास रहा होगा। फिर वहाँ से मेघा सारी मरी हुई लड़कियों के फैमिली वालों के पास और स्कूल में जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है और तभी उसे डॉक्टर रमेश गुप्ता जो कि एक साइकेट्रिस्ट थे उनके बारे में पता चलता है। वो उन सभी मरी हुई लड़कियों को सेशंस दिया करते थे। फिर वो रमेश गुप्ता के घर जाती है जो कि बाहर से लॉक्ड होता है। तभी उनके एक नेबर से मेघा को पता चलता है कि रमेश गुप्ता ने एक 10 से 12 साल के बच्चे को अडॉप्ट किया था जिसका नाम शशि था, जिसे थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम थी। और जब ही शशि को रमेश के कैंसर के बारे में पता चला तो वो ये सह नहीं पाया, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। उसी वक्त मेघा को याद आता है कि डॉक्टर रंजना के फादर को भी कैंसर था और उसे लगता है कि डॉक्टर रंजना के फादर ही रमेश गुप्ता है जो कि थे भी, क्योंकि उस नेबर ने उन्हीं का फोटो मेघा को दिखाया था। फिर मेघा और जॉनी मसूरी के लिए निकल जाते हैं। वहां अचानक से अनन्या को दौरे पड़ने लगते हैं, इसलिए अभय डॉक्टर रंजना को कॉल करके जल्दी अपने विला पर आने के लिए बोलता है और अपनी लोकेशन उसे सेंड कर देता है। लेकिन वहां जाने से पहले डॉक्टर रंजना अपने फादर को ये बता देती है। कुछ देर बाद मेघा और जॉनी रमेश गुप्ता के घर पहुँचते हैं और वहाँ पर डॉक्टर रमेश गुप्ता ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। उसी वक्त डॉक्टर सोलंकी उस किलर का स्केच जॉनी को भेजते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होता है। एक्चुअली ये स्केच शशि से बिल्कुल मैच हो रहा था और ये डॉक्टर रंजना का स्केच था, यानी शशि ही डॉक्टर रंजना थी। और शशि मरा नहीं था, उसने अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया था, मतलब अपना जेंडर को भी चेंज करवा लिया था और डॉक्टर रंजना बन चुका था। शशि वही लड़का था जिसने मूवी की स्टार्टिंग में अपने पिता और अपनी बहन को मार दिया था और रमेश गुप्ता ने उसे अडॉप्ट करके उसका इलाज किया जिससे वो धीरे धीरे ठीक होने लगा था। उसी समय उसने रमेश गुप्ता से हिप्नोसिस की प्रोसेस भी सीख ली थी
जिससे वो किसी को भी वश में कर सकता था। मगर जब शशि को पता चला कि उसके फादर को कैंसर है तो वो वापस से पहले जैसा हो जाता है, और तभी उसने पहली बार किसी बच्ची का मर्डर कर दिया। मगर उसके बाद वो कहीं गायब हो गया था, और कुछ दिनों बाद वो डॉक्टर रंजना बनकर वापस अपने फादर के पास आ गया। उसे लगने लगा था कि मर्डर करने से उसके फादर ठीक होने लगे हैं, और फिर मसूरी शिफ्ट होकर उसने उन्हीं लड़कियों को टारगेट किया जो उससे सेशंस ले रहे थे। और अभय की बेटी आद्या भी किसी एक्सीडेंट में नहीं मरी थी, उसे भी शशि ने ही मारा था। वहां डॉक्टर रंजना उर्फ शशि अभय के विला पर पहुंचकर अभय पर नाइफ से अटैक कर देती है। अभय उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बहुत बुरी तरह से घायल करके अनन्या के पास पहुंच जाती है, और अनन्या को हिप्नोटाइज करके अपने साथ ले जाती है। इसी तरह वो हिप्नोटाइज करके रोहन की हेल्प से वो उन लड़कियों को अपने वेयरहाउस में ले जाती थी और उन्हें मार डालती थी। ये सब समझने के बाद जैसे ही मेघा और जॉनी वहां से अनन्या को बचाने के लिए निकलते हैं, उन्हें रास्ते में माथुर अरेस्ट कर लेता है। जॉनी उसे सब बताने की कोशिश करता है, लेकिन माथुर को उस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। उसी समय जॉनी को अभय का कॉल आता है, और वो बताता है कि डॉक्टर रंजना अनन्या को अपने साथ ले गई है। और ये सुनकर माथुर को जॉनी पर भरोसा हो जाता है, और वो कांस्टेबल पाटिल को अभय के पास भेज देता है, और माथुर जॉनी और मेघा के साथ डॉक्टर रंजना के वेयरहाउस में पहुंच जाता है। उधर डॉक्टर रंजना अनन्या को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो कैमरा से देख लेती है कि जॉनी और पुलिस वाले उसके वेयरहाउस में एंटर कर चुके हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद मेघा को रंजना मिल जाती है, और उनमें फाइट होने लगती है जिसमें मेघा काफी घायल हो जाती है। यहाँ जॉनी को भी अनन्या मिल जाती है, और वो उसे बाहर रुकने के लिए बोलकर मेघा को बचाने के लिए अंदर चला जाता है। यहाँ डॉक्टर रंजना मेघा को गन से शूट करने वाली होती है, लेकिन उसके पहले ही जॉनी रंजना को शूट कर देता है, और इस तरह से डॉक्टर रंजना उर्फ शशि मारा जाता है, और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।